हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स में 10th चैप्टर वेक्टर एल्जेब्रा को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 10.2 की क्वेश्चन नंबर 16 तक देखा था, आज इसके आगे क्वेश्चन नंबर 17 टू 19 तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। समझना जरा क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.2। तो स्टूडेंट्स होगा क्या लिखा हुआ है 17th क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विद पोजिशन वैक्टर। कोई पॉइंट्स जैसे लेट से एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, क्योंकि ये आपके बोला गया एक ट्राइंगल को फॉर्म करने वाले हैं, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन पढ़ के देख लेना। इसलिए मैंने इन्हें कोलिनियर नहीं बनाया, क्योंकि कोलिनियर होंगे तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने इन्हें बना दिया। अरे कैसे भी होते होंगे ऐसे मान लिया, ठीक है। बेसिकली ना मैंने पॉइंट्स को भी जोड़ना नहीं चाहिए था आपको, मतलब मुझे ऐसे बताना चाहिए था। देखिए जरा ये तीन पॉइंट्स इनकी बात की, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर दे रखे। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि ये आपका थ्री डायमेंशनल स्पेस है, यहां पर एक्स एक्सिस है, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। ओरिजिन से कनेक्ट करने से जो वेक्टर बनता है किसी पॉइंट को, उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं उस पॉइंट का। जैसे कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये है ना, और बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, सॉरी बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, यस ये, ठीक है ना, क्लियर है। ये तीन इसके पोजीशन वेक्टर्स हैं, ये ओ सी, ओ है इस पॉइंट का नाम, ओ सी, ओ बी एंड ओ ए, दीज आर द पोजिशन वैक्टर्स ऑफ दीज रिस्पेक्टिव पॉइंट्स ए बी एंड सी, ठीक है ना। मतलब अनेंजमेंट में लगा देना जैसे मैंने बोला था, ठीक है, ए बी सी है। तो स्टूडेंट्स बोला गया इनके पोजिशन वैक्टर्स की बने, यानी ए का पोजिशन वैक्टर हमारे अकॉर्डिंग कौन है, ओ ए वैक्टर ना, हमारे अकॉर्डिंग ओ ए वैक्टर है पोजिशन वैक्टर। इन्होंने उसे ए वैक्टर नाम दे रखा है, इन्होंने बोला वो है थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप माइनस फोर के कैप, इजंट इट। नाउ बी वेक्टर हमारे अकॉर्डिंग, बी वेक्टर बेसिकली इनके अकॉर्डिंग ना, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, बी वेक्टर है कौन, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर। क्वेश्चन आराम से पढ़ो, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर यानी हमारे अकॉर्डिंग वो ओ बी वेक्टर है, और ये कह रहे हैं उसका नाम बी वेक्टर स्मॉल का, तो उसकी कुछ ही वैल्यू दे रहे हैं हमें हाथ में, क्या बोल रहे हैं, टू माइनस वन प्लस वन। ये थर्ड जो सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है, वो हमने ओ सी बोला, इनके अकॉर्डिंग वो सी वेक्टर है, वो हो जाएगा आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप, एजेंटेड क्लियर है। थ्री माइनस फोर वाइज माइनस थ्री फोर, ठीक है, सरमारी बात ये है। तो शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विद देयर पोजिशन वैक्टर्स रिस्पेक्टली फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। कौन फॉर्म कर रहे हैं वर्टिसेस को राइट एंगल ट्राइंगल, ये पॉइंट्स जो गिवन है, यानी ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सॉरी ये पॉइंट सी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं ये तीन वर्टिसेस इन पॉइंट्स के, जबकि इनकी इन तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हमें गिवन है। तो हमें ऐसा शो करना है कि ऐसा फॉर्म करता है एक राइट एंगल ट्राइंगल को। अब राइट एंगल ट्राइंगल बोलकर एक ही बात समझ में आती है कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए किसी भी इंटीरियर एंगल में, या तो वो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमने सोचा 90 डिग्री अगर हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, तो कैसे पता करें। तो हमने बोला क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो याद आया कि क्यों ना ऐसा करा जाए, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प ली जाए, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प ली जा सकती है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई राइट एंगल ट्राइंगल में होती है। यानी कि यहां पर तीनों साइड्स का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, अगर एक बार तीनों साइड्स का मैग्नीट्यूड हमारे हाथ में आ गया, तो हम देखेंगे कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट फॉलो हो पा रहा है। हम जानते हैं ना कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेसिस। तो इस ट्राइंगल में देखेंगे क्या कोई दो साइड का स्क्वायर कर ऐड करने पर क्या किसी तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है क्या। अगर ऐसा हो गया तो डेफिनेटली वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और हम जज कर पाएंगे वो कौन सी प्लेस पे होगा। ठीक है, इतना काम है। मतलब स्टूडेंट्स वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, दैट इज फ्रॉम सी बी बी ए एंड ए सी, है ना। अब इन वेक्टर्स को कैसे फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट, बहुत आसान होता है, बहुत बार मैं जिक्र करता हूँ, आज एक बार थोड़ा सा स्किप करते हुए आगे बढ़ता हूँ, समझा दूंगा, लिखूंगा न्यूज़ और बात करूंगा। जैसे कि मैं मान लिया चाहता हूँ एक मुझे ये वेक्टर मिल जाए, मैं चाहता हूँ मुझे एक ये वैक्टर मिल जाए, मैं चाहता हूँ मुझे एक ये वैक्टर मिल जाए, एजेंट क्लियर है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वैक्टर मिले, तो मैं कहूँगा अच्छा ये वैक्टर का नाम है सी ए वैक्टर। क्यों चाहता हूँ वैक्टर मिले, ताकि मैं मैग्नीट्यूड निकाल सकूँ, मैग्नीट्यूड निकाल सकूँ तो पाइथागोरस को चेक कर सकूँ। सी ए वैक्टर निकाला, सी ए वैक्टर क्या है बेसिकली, आप वहाँ देखे भी ना तो आप सीधे जानते हैं कि ओ ए फाइनल वैक्टर माइनस इनिशियल वैक्टर कहा जा सकता है इसे, फाइनल वैक्टर
ए है और मतलब ये चीज क्या है, ओ ए माइनस ओ सी, इसलिए फायदा होता है ये फिगर बनाने का, इसलिए बनाता हूँ मैं इसे। ओ ए, ओ ए में से ए सी को, ए में से ओ सी को माइनस कर दो तो थ्री में से रिस्पेक्टिव टर्म्स कटेंगे, वन है ना, तो थ्री माइनस वन कितना हो गया, टू आइटा, माइनस फोर माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस फोर प्लस वन कितना हो जाएगा, माइनस फोर प्लस वन इज वट, माइनस थ्री, ठीक है नो, ये माइनस फोर है और ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस थ्री है, अभी गलत हो गया था, ये माइनस का जे कैप हो जाएगा, माइनस फोर माइनस माइनस प्लस तो प्लस हो जाएगा और वो माइनस रहेगा, तो यहाँ प्लस का के क्या बनेगा, क्लियर है कि नहीं। ये स्टूडेंट्स रिजल्ट आया, ये हमारा सी ए वैक्टर हो गया, क्लियर है। आप जानते हैं हमें सी ए वैक्टर नहीं चाहिए, देखा जाए तो हमें सी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो साथ ही साथ निकालते हुए भी चल लेते हैं। मैग्नीट्यूड आप जानते हैं कैसे निकलते हैं, टू का स्क्वायर, इसके माइनस वन का स्क्वायर और इसके प्लस वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, फोर वन मतलब सिक्स हो गया स्क्वायर रूट के अंदर, ये लिख दिया ऐसे करके, यूनिट लिख देता हूँ इसके पीछे, एक काम हमने कर दिया, यानी हमने सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, यानी कि उस ट्राइंगल का जो फॉर्म हो रहा था उसकी एक साइड पता कर ली है, बाकी दो साइड रही है, उन्हें वन बाय वन पता करते हैं, सी ए पता कर लिया, आपकी मर्जी कुछ भी पता कर लो, लो मैं बी ए पता कर लेता हूँ, बी ए वेक्टर क्या होगा, अब हम जानते हैं बी ए वेक्टर बिना देखे भी हम कह सकते हैं, बिना ट्राइंगल लॉ लगाए भी हम, मैंने आपको हिट एंड ट्रायल बताया, बिना ट्राइंगल लॉ लगाए भी मैंने आपको हिट एंड ट्रायल बताया कि जो डेस्टिनेशन वेक्टर होता है उसमें से इनिशियल वेक्टर को माइनस करते हैं, ओ ए माइनस ओ बी, आराम से ओ ए में से ओ बी को माइनस करो, माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है, थ्री में से टू गया कितना होगा, वन, आई कैप, माइनस फोर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस फोर प्लस वन कितना होता है, माइनस थ्री, माइनस फोर माइनस वन दैट इज माइनस फाइव, ठीक है, ये हो गया आपका बी ए वैक्टर, क्लियर है कि नहीं स्टोरी, ये है बस। अब क्योंकि हमें बी ए से भी काम नहीं है, हमें स्पेशली बी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था, मॉडुलस कितना होता है, लेंथ कितना है इस ट्राइंगल की साइड का, तो स्क्वायर रूट वन का स्क्वायर, सब जानते हैं इस बात को कैसे आ रहा हूँ, पूरे बेसिक से निकल कर आ रखे हैं, हमने एक भी बात याद नहीं की है, आप बता नहीं सकते कि हम, मैंने आपको कुछ याद कराया है, सारी बातें मैंने डिराइव कराई हैं, ध्यान रखना, बी ए वैक्टर और डेरिवेशन बड़े प्यारे हैं, डेरिवेशन ही आने चाहिए, मतलब डेरिवेशन वैसे तो है नहीं, कुछ समझने वाली बात है बस, स्क्वायर रूट वन प्लस नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव, 35 हो रहा है स्क्वायर रूट का, ये आपका इतना हो गया, ठीक है, हमने तीन साइड्स में से दो साइड्स निकाल ली, बची एक लास्ट साइड ताकि कंपेयर कर सके, तो उसको भी कर ले फाइंड, ठीक है, ठीक है, जरा समझना कौन सी साइड चाहिए, वैसे अभी हमने सी ए निकाल लिया, हमने सी ए निकाल लिया, हमने बी ए निकाल लिया, बचा ये बी सी, क्या बचा, बी सी, तो बी सी बचा तो मैं ऊपर वाले को हटा देता हूँ क्योंकि इसकी नीड नहीं है, क्योंकि बी सी में मुझे सिर्फ बी और सी की नीड होगी, क्लियर है कि नहीं है, बी सी बचा ना, तो बी सी वैक्टर पर बात करता हूँ, अब मुझे पता चला बी सी वैक्टर क्या होगा, यस फाइनल वैक्टर माइनस इनिशियल वैक्टर, ठीक है, मैं फटाफट काम करता हूँ, ओ सी फाइनल समझ रहे ना, इनिशियल इसमें से इसको माइनस करना है, ओ सी में से वन माइनस टू माइनस आई क्या, माइनस थ्री है, माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस, तो माइनस थ्री प्लस कितना हो जाएगा, माइनस का टू जे क्या, माइनस फाइव माइनस थ्री तो माइनस का सिक्स के क्या, दैट इज दिस थ्री, क्लियर हो गया स्टोरी, ये हो गया बस, अब इसकी नीड नहीं है वैसे, हटा देता हूँ, ठीक है, ऐसे काम होता है, ठीक है ना। अभी मुझे क्योंकि बी सी वैक्टर चाहिए नहीं था, मुझे तो बी सी का मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो मैं तो वही बोलूँगा हर बार की तरह, माइनस वन का स्क्वायर, फिर माइनस टू का स्क्वायर, फिर माइनस सिक्स का स्क्वायर, ये। अब स्टूडेंट्स मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस वन का स्क्वायर क्या जाएगा, वन माइनस टू का स्क्वायर क्या जाएगा, फोर माइनस सिक्स का स्क्वायर क्या जाएगा, थर्टी सिक्स कितना हो गया, थर्टी सिक्स फोर्टी वन नहीं हुआ क्या, फोर्टी वन यूनिट हो गया, तो स्टूडेंट्स हमने इस तरह से तीनों साइड्स की मैग्नीट्यूड बता दी है, जो हमारी प्लानिंग थी वो आ गई है अपने उस पर लास्ट पिन पर। अब इतना देखें कि इन में से, इन तीनों में से जो मैंने बॉक्स के अंदर डाले, बॉक्स के अंदर डाले, किन का दो का स्क्वायर करके तीसरे की कोला है, तो पता चला इसका स्क्वायर कर लो 35 आएगा, इसका स्क्वायर कर लो ओनली 6 आएगा, 35 6 को ऐड करो 41 आएगा और इसका स्क्वायर करो वो 41 ही है, यानी कि ये हुआ कि मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास बी ए है, बी ए ना, तो बी ए वैक्टर के मॉडल को सिर्फ बी ए लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर मैंने कहा आप सी ए के स्क्वायर में जोड़ के तो देखो एक बार, आप करके देखो 35 प्लस 6 41 होता है, वो उसके स्क्वायर के इक्वल है, तो बी सी के स्क्वायर के इक्वल है, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो गई,
यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल तो है यहाँ पर कहीं ना कहीं छुपा हुआ। अब पता करो क्या इसका मतलब, ये और ये कहीं ना कहीं बेस और परपेंडिकुलर है, ये वाला हाइपोटेनस है बीसी वाला, इतना क्लियर हो गया। बीसी का बीसी वाला हाइपोटेनस है, ये और ये आपके एक बेस है परपेंडिकुलर में, तो यानी कि ना सीधी सी बात है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हमें पहले से तो पता नहीं था ना, उस हिसाब से हमने ट्रायंगल बनाया ही नहीं था, बन रहा है तो बन रहा है बस। अब ये इस हिसाब से ट्रायंगल बनेगा, ये पॉइंट्स की लोकेशन इस तरह से होगी, इस तरह से होगी कि ये 90 डिग्री बनना चाहिए, कहीं ऐसे कुछ होगा मतलब अच्छा सा 90 डिग्री होगा ये टाइप में, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम मत लेना, मैंने लिख दिया 90 तो 90 मतलब 90, ठीक है। समझ गए, हमें पता है बी ए सी ए के बीच में, यानी कि बी ए का है, बी ए ये है, सी ए के बीच में 90 डिग्री बनना चाहिए क्योंकि वो परपेंडिकुलर बेसिस है, बेस है, क्लियर है, ये स्टोरी है, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए बोल दूँ कि कहाँ गए इनके पोजीशन वेक्टर जो दिए थे ना, वो क्या बताना चाह रहे थे, बेसिकली पोजीशन वेक्टर ये बताना चाहते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या, उनमें से आई जे के हटा देना तो उनके कोऑर्डिनेट होते हैं, क्लियर है, ये क्वेश्चन हो गया, आराम से समझ में आई बात। ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन पूरे इसके साथ करोगे जैसे मैंने समझाया आपको, पूरा फिगर बना के करोगे काम तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, करने वाले बिना फिगर के भी कर लेते हैं लेकिन उसमें कोई सेंस नहीं छुपा होता, फिर वो ऐसे ही रहता है कि कल ही कर दिया बस, ठीक है ना, मजा नहीं आता उसमें, ठीक है। भी देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी ठीक है, ये आपका पॉइंट सी है, ठीक है। बोला हुआ इन ट्राइंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल जैसा दिख रहा है वहाँ पर, तीनों में ऑप्शन सभी के सभी, यानी ए बी इन साइड्स के बीच में रिलेशन चाहिए या इन वेक्टर्स के बीच में रिलेशन चाहिए। मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा होता क्या है ट्राइंगल, ट्राइंगल लॉ बोलता है कि अगर कभी कोई हेड टेल में जुड़े हों, अगर कभी कोई हेड टेल में जुड़े हों तो उनकी जो थर्ड साइड होती है वो उसको रिप्रेजेंट करती है रिजल्टेंट को। हमें पता है ना ट्राइंगल लॉ स्टेट्स दैट इफ यू हैव अ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन द फॉर्म ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विच आर कनेक्टेड इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर कहते हैं हेड टेल को, then a resultant will be equal to the third side of a triangle connected in opposite order, head head, ऐसा ही होता है। तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर शुड बी इक्वल टू ए सी वैक्टर, सी ए जैसी गलती मत करना, ए सी की तरफ गए हम, साफ साफ दिख रहा है पूरे ट्राइंगल का फॉलो हो रहा है एकदम से, ठीक है ना। अब ये बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, सब मुझके आए भी है अभी, ठीक है। तो ये हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट है, अच्छा ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कि उसमें से कोई एक इनकरेक्ट होगा, तीन सही होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप पहले ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन हमें सी एम एफ दिखाई दे रहा है, हमारा देखो ए बी बी सी तो है उसमें भी, लेकिन वो सी ए में देना चाह रहे हैं पहले ऑप्शन को, हमारा ऑप्शन ए सी में। मुझे एक बार बताओ ए सी वैक्टर और सी ए वैक्टर में क्या डिफरेंस है, ए सी यहां से गए सी ए यहां से आए, जस्ट नेगेटिव वैक्टर्स हैं एक दूसरे के, तो नेगेटिव वैक्टर्स में क्या होता है, दोनों में मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, ये रिलेशनशिप है। यानी ए सी को कोई सी ए में बदलना चाहता है तो वो बोल सकता है क्योंकि उन्हें सी ए में दिख रहा है ना पहला ऑप्शन में, हम देख रहे हैं देखते हैं सी ए में कैसा दिखता होगा। यहां सी ए लिखूंगा तो ए सी के प्लेस पे माइनस सी ए लिखना पड़ेगा, माइनस सी ए स्टूडेंट जब यहां आएगा आराम से सोच समझ के करना, मैंने बता दिया प्लस सी ए हो जाएगा, ध्यान रखो बहुत डिफरेंस है ए सी सी ए में नेगेटिव का। ये तो पहला ऑप्शन जब मैच किया ओके ये राइट है क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन से ही डिटेक्ट हुआ है, सही है पहला सही है। दूसरा ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, अच्छा तो जो एक्चुअली निकला था क्योंकि दूसरा वाला ऑप्शन एसी पर ही है तो एसी को चेंज नहीं करना, बस इस साइड लाना है। मुझे बताओ अगर मैं ले आया तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं ले आऊं अगर एसी को इधर तो वो ऐसा दिखने लगेगा माइनस का एसी इज इक्वल टू जीरो, तो बोलिए ये सही है कि नहीं है, ये भी करेक्ट है, ये भी स्टूडेंट्स ये भी करेक्ट है क्योंकि ये सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि वो है। नाउ सी ऑप्शन नंबर सी, ए बी वैक्टर प्लस बी सी माइनस सी ए है, ए बी वैक्टर प्लस बी सी माइनस सी ए है। अब आप बताइए ये तो थर्ड ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि वो सी ए पर बात कर रहा है और सी ए को उसने नेगेटिव लिखा, लेकिन हम तो देख चुके हैं सी ए तो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए करेक्ट है तो ऑप्शन सी कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। होने के लिए तो हो गया लेकिन लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं, लास्ट वाले में कैसे करेक्ट है, ठीक है ना, बाई चांस मोर देन वन करेक्ट वाला आंसर होगा। तो डी में हम देखते हैं, डी ऑप्शन बोल रहा है ए बी ठीक है सी ए की फॉर्म में दे रहा है, यानी कि ए बी और सी ए इस फॉर्म का जिक्र कर रहा है, लेकिन वो बी सी की फॉर्म में नहीं दे रहा आंसर, सी बी की फॉर्म में दे रहा है। तो फिर बी सी और सी बी में क्या डिफरेंस है, वही डिफरेंस है क्या नेगेटिव वेक्टर का, कि अपोजिट चले गए बस, आप बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। तो बी सी को रिप्लेस कर लास्ट ऑप्शन सी बी की फॉर्म में लिखना चाहता है, तो हमें पता चला बी सी को सी बी में ऐसे बोला जा सकता है ये माइनस का, और वो सी ए में ही रखना चाह रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सोच समझ कर काम करें।
ठीक है, ऑप्शन देखकर हम डिटरमिन ही तो करेंगे कि किस फॉर्म में देने जा रहा है। एक्चुअल आंसर तो ये था ना, इसको पलट पलट के इतनी तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सही है, ये सही है और ये वाला सही है, मतलब ये एक्चुअली ये वाले को इन्होंने इस फॉर्म में लिखा है। तो जो तीन सही है वो ये है, ये है, ये है, और हमारा एक्चुअली ये था, इससे ही हमने सारी बातें करी है। जो थर्ड ऑप्शन है इट इज इनकरेक्ट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गई कि नहीं? होना चाहिए, ठीक है ना, क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें, पहले अपने को ट्राइंगल रूल आना चाहिए। क्लियर है, अभी बढ़ते हैं आगे। कहाँ बढ़ते हैं? आगे, ठीक है ना। 19 क्वेश्चन, इफ ए एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, तो ए बी कोलिनियर वेक्टर से दैट मीन्स ए एंड बी मेक्स 180 और 0 डिग्री एंगल विद ईच वन। तो यहां पर ए और बी अगर कोलिनियर है तो इनके बीच का एंगल इधर विल बी इक्वल टू 0 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री, या 180 डिग्री और नेसेसरी नहीं है, और की कंडीशन है, हो सकता है, मतलब या की ऑप्शन, या तो वो या तो वो, यही तो मतलब होता है। मुझे बताइए इसको देखकर उन्होंने बोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, और आर बोल रहा है इसका मतलब मोर देन वन भी हो सकता है, इनकरेक्ट है ना। ठीक है, तो फर्स्ट पर आते हैं। ए ऑप्शन लिखा था बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। अब ये कोलिनियर है कि नहीं? एग्जैक्टली कोलिनियर है। कैसे कोलिनियर है, ये यूज भी किया था मैंने शायद एक बार पीछे, मुझे याद है। जैसे ना ये सोचो कि अगर एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और एक वेक्टर ये है 3a वेक्टर, ये कोलिनियर है कि नहीं है? क्योंकि इनमें ना सिर्फ मैग्नीट्यूड्स बदल रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क है इन दोनों में, बाकी और फर्क नहीं है। ये कहता है कि b और a एक जैसे ही है वैसे, लेकिन बस a वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड पर चेंज करना है, डायरेक्शन में नहीं। तो बोल रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड से चेंज कर रहे हैं, नए मैग्नीट्यूड से इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि लैम्डा नाम के एक मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या कर रहे होंगे, लेंथ बढ़ा या घटा रहे होंगे? लैम्डा अगर लेस देन वन हुआ तो घटा रहे होंगे, बढ़ा हुआ तो बढ़ा रहे होंगे, बस। तो इसलिए ऑप्शन करेक्ट है, कोलिनियरिटी में ये बात फॉलो करती है। सेकेंड थिंग आती है, बोला गया ए वैक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वैक्टर। तो इसमें क्या बड़ी बात है, ये इसी का एक पर्टिकुलर केस है जब आपने लैम्डा को प्लस माइनस वन रख दिया। यानी आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं अगर प्लस होगा तो ये होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे दिखते होंगे अगर प्लस होंगे, और अगर ये माइनस आ गया साइन बीच में तो जो ए का डायरेक्शन होगा बी का जस्ट अपोजिट होगा। लेकिन इतना ध्यान रखें कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड पर सिर्फ वन टाइम्स हो रखा है, इधर प्लस और माइनस, ठीक है ना। पॉजिटिव वन टाइम्स का मतलब वही एग्जैक्टली इक्वल वेक्टर्स। तो ये अपने आप में दो चीजें कंटेन कर रहा है, या तो इक्वल वेक्टर्स या फिर नेगेटिव वेक्टर, और इक्वल वेक्टर नेगेटिव वेक्टर बोथ आर द एग्जांपल ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर है, तो ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि ना इसका पर्टिकुलर केस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझना। सी ऑप्शन है द रिस्पेक्टिव कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल, ये बात बोली गई, ठीक है ना, कि द रिस्पेक्टिव कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल। अच्छा, फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, हमें बताना है इनकरेक्ट कौन है ना, तो ये तो नहीं इनकरेक्ट, ये भी नहीं इनकरेक्ट। तीसरे पर बात करनी कि क्या ये इनकरेक्ट है, अच्छा पता करते, देखो देखना स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सी ऑप्शन लिखा हुआ है आपका, द रिस्पेक्टिव कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल। जैसे मैं समझता हूं कि अगर ये मेरा मान लिया, ठीक है एक मिनट देखते हैं, देखिए समझिएगा स्टूडेंट, जैसे ए वेक्टर ये है, अब क्योंकि दोनों के दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं तो बी वेक्टर भी कुछ इसी तरह का होगा। जैसे कि मैं मान लेता हूं ये होगा बी वेक्टर, क्लियर, अब वो सीधा भी हो सकता था, मैं बताता हूं दोनों पॉसिबिलिटी, पहले मैंने ऐसा करके देख लिया। मुझे बताओ अगर मान लिया मुझे पता चला कि ये ऐसे थे, ठीक है, एक मिनट इसको मैं ऐसे करता हूँ, देखिए जरा समझना ध्यान से जरा, क्योंकि ना दो पर्टिकुलर केसेस बन सकते हैं इसमें, एक में तो सही माना जाएगा लेकिन एक में गलत हो जाएगा, इसलिए जनरली बोले तो ये गलत माना जाएगा। कैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, अब ये मैग्नीट्यूड डिफर कर सकता है आपने क्योंकि कोलिनियर है, ठीक है ना, इसलिए डायरेक्शन पर सिर्फ कंडीशन होती है, मैग्नीट्यूड पर कंडीशन। मान लिया हमारी ये कोई एक रेफरेंस एक्सिस थी, एक्स एक्सिस टाइप की, इसको पीछे मीट करेंगे यहां मिलेगा, इसको पीछे मीट करेंगे यहां मिलेगा, यानी कि दोनों एंगल, दोनों ने एंगल सेम बना रखे होंगे क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो जितना एंगल इसने बनाया होगा उतना ही एंगल उसने बनाया होगा। इसने अगर स्टूडेंट्स थीटा एंगल बनाया तो उसने भी थीटा बनाया होगा, ठीक है, तो थीटा थीटा दोनों ने एंगल बनाए, ठीक है,
ये पॉलिटिकल कैंपेनिंग चल रही है, आवाज ऐसे आपको आ रही होगी लेकिन फिर भी जो वैसे साउंड आ रहा है उसको, ठीक है ना, मैं कंपोनेंट बनाऊंगा तो इस बी वेक्टर का एक कंपोनेंट इसके अलावा क्या बनेगा, बी कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है आप जानते हैं इस बात को वैसे, और अगर मैं इसके अलावा बनाऊंगा तो वो क्या बनेगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। और आप देखेंगे इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका बी साइन थीटा बनेगा, इसका बी साइन थीटा बनेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये ए कॉस थीटा, माना कि थीटा इनके सेम है, माना कि थीटा सेम है, क्यों, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर्स हैं, कितना साउंड है, सुनो आप मेरी बात खत्म होने वाला है, माना कि थीटा इनका क्या था, एंगल था इनके बीच का, तो थीटा अगर इनके बीच का एंगल था तो चलो ये चीज तो सेम हो जाएगी कॉस थीटा, लेकिन ये ए और बी के सेम होने पर रेस्ट्रिक्शन है ना, यानी कि इनके कॉम्पोनेंट्स इसी की बात कर रहे हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स है, रेस्पेक्टिव कॉम्पोनेंट, जैसे ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा बी कॉस थीटा तभी इक्वल होते जब ए बी इक्वल होता बी के, कॉस थीटा इक्वल होता कॉस थीटा के, कॉस थीटा तो इक्वल है क्योंकि आपने देखा कि कोलिनियर वेक्टर यानी कि एंगल जो इनका फॉर्म हो रहा है वो सेम है, लेकिन ए और बी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो अलग हो सकते हैं, तो इसलिए कॉम्पोनेंट्स रिस्पेक्टिवली डिफरेंट होंगे, इसलिए डिफरेंट है, बस इतनी सी बात, ठीक है ना। हाँ, अगर इसमें कंडीशन लग जाए कि ऐसी कंडीशन लग जाती है द रिस्पेक्टिव कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, तो ये ट्रू आंसर है, ट्रू आंसर है, क्योंकि प्रोपोर्शनल कहां पर है, ठीक है ना, प्रोपोर्शनलिटी की बात हो रही है। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी की बात हो रही है, जैसे कि आपने कहा ए कॉस थीटा एक हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका बी कॉस थीटा, तो इस तरह से हमने देखा कि ये बी कॉस थीटा, अगर हमने इनका रेशियो लिया तो रेशियो कितना है स्टूडेंट्स, ए बाई बी का इनका रेशियो है, इसकी इस उसका इसमें देखते तो ये ए साइन थीटा आता कॉम्पोनेंट और ये वाला बी साइन थीटा कॉम्पोनेंट आता, इनका रेशियो लेते तो ए साइन थीटा ओवर बी साइन थीटा आता, ठीक है ना, फिर ये कैंसिल होकर ये भी ए बाई बी देता, यानी कि जो इनके रिस्पेक्टिव कॉम्पोनेंट्स है प्रोपोर्शनल तो है वो, वैसे देखा जाए तो ऑप्शन तो मुझे इनकरेक्ट लग रहा है, 19 जो उसका क्वेश्चन है ना कहाँ पर है, 19th का डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है ना, मुझे तो लगता है कि ये सही बात है, मतलब ये गलत बात है इनकी ये वाली, द रिस्पेक्टिव कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल, ये तो प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं ना, प्रोपोर्शनल है ये तो, रिस्पेक्टिव कॉम्पोनेंट्स इसका प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, ये ऑप्शन गलत लिख दिया होगा, बोथ द वेक्टर्स, और चौथे को देख लो एक बार, ठीक है ना, या तो फिर ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है ना इसमें नॉट की जगह फिर नॉट हटा देना, आर प्रोपोर्शनल होगा, फिर आर प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि दिख तो रहा है साफ साफ प्रोपोर्शनल है, इसके उसका भी रेशियो ए बाई बी आ रहा है, उसके वाले कंपोनेंट्स का रेशियो भी ए बाई बी आ रहा है, अब क्या करें फिर, सेम है, मतलब ये सही है आंसर, आर नॉट प्रोपोर्शनल के नॉट को या तो काट दो आप, या तो फिर पीछे वाले ऑप्शन में एक इंक्लूड कर दो कि सी भी इसका आंसर है, आर नॉट प्रोपोर्शनल में सी भी एक इनकरेक्ट है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, तभी इन्होंने शायद आर लिखा था ऊपर, फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, ताकि मोर देन होंगे ना प्लूरल फॉर्म। डी है, बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर, बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, दोनों के पास सेम डायरेक्शन है, क्योंकि वो कोलिनियर तो है, तो अगर उनके पास सेम डायरेक्शन है इसका मतलब एक के पास ये है एक के पास ये है, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, तो ये कह रहे हैं कि बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, अगर ऊपर वाली बात को लेकर चले हम, जो उन्होंने कहा था कि ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर, अगर वो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं तो आप जानते हैं उनका एंगल 180 डिग्री और कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव अ सेम मैग्नीट्यूड, ये रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, सेम डायरेक्शन के अलावा इनके एंटी पैरेलल डायरेक्शन भी तो हो सकती है, क्योंकि 180 डिग्री भी तो बना सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कोलिनियर थे, इसलिए इनकी बात रेस्ट्रिक्ट हो रही है, जो ये कह रहे हैं कि बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव अ सेम डायरेक्शन, जरूरी नहीं है ऐसा, सेम डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है एंटी पैरेलल, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड पर तो चलो मान लिया डिफरेंट हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, उस पर भी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन डायरेक्शन हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन एंटी पैरेलल भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया कि सेम ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है और हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्होंने आर नॉट प्रोपोर्शनल का, हमारा आर प्रोपोर्शनल आ रहा है, क्लियर है, तो हमारे अकॉर्डिंग सी एंड डी आर दी रिजल्ट आर दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, कि इसके इनकरेक्ट जो आंसर है वो सी और डी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतना सब कुछ जो मैंने आपको पढ़ाया अभी इस एक्सरसाइज में, इस सबको रिवाइज करें और आगे की एक्सरसाइज 10.3 है उसमें रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आराम से देख लें, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पर रिलेटेड वो एक्सरसाइज है, उसके सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आजकल इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।